क्रैम्प हो रही थी। एक तो मौसम काफी ठंडा था तो इस वजह से थोड़ा बिस्तर से निकलना भी नहीं मतलब मान रहा था। और मैं 3 दिन से कॉलेज भी नहीं गई हूँ, आज मेरा 3रा दिन चल रहा है कॉलेज नहीं जाकर। आज थोड़ा बेटर फील हो रहा है तो मैंने सोचा कुछ शूट कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम होने वाला है व्लॉग अपलोड नहीं करके। लिटरली मैं 3 दिन से बिस्तर पे थी, कहीं नहीं गई, ना मार्केट गई ना कॉलेज गई, यहाँ तक कि मेरे को खाना खाने जाने में भी दिक्कत होती थी, मतलब आलस आता था एक तरह से। मेरे बालों की हालत देखिएगा, पूरा डैंड्रफ हो चुका है और इतना खारिश हो रहा है बाल में मतलब। तो मैं सबसे पहले नहाऊंगी, एक तो मेरे को आज डॉक्टर के पास जाना है कुछ रिपोर्ट्स वगैरह चेक करवाने हैं मेरे, जो मैं चंडीगढ़ गई थी पहले तो वहाँ से मैंने कुछ जनरल चेकअप करवाया, तो उसका रिपोर्ट जो है डॉक्टर को दिखाना बाकी है, तो शायद आज जाऊंगी मैं अगर टाइम होगा तो। 12:45 हो गए तो मैं पहले नहा धो के रेडी हो जाती हूँ। बाल बहुत ज़्यादा जड़ रहे हैं, पतले हो रहे हैं, और तो सबसे पहले मैं अपने बालों को अच्छे से तेल लगाऊंगी, फिर उसके बाद नहा धो के रेडी हो जाऊंगी। तेल है जो मैं अपने घर से लेकर आई थी, वैसे तो खाने के लिए है बट मैं इसको खाती नहीं हूँ, मतलब सर पे लगा लेती हूँ। मतलब सर्दियों में इसको मैं शरीर पे लगाती हूँ, और जब मेरे को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ दिखता है सर पे तब मैं सर पे लगा लेती हूँ। स्टिंग के बॉटल में ये चुल्ली का तेल है, मैंने लगा लिया अपने सर पे चुल्ली का तेल। अभी मैं जा रही हूँ नहाने, उसके बाद सीधे आपको मिलूंगी। तो गाइस मैं नहा चुकी हूँ एंड बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, अभी बाहर धूप आ चुकी है बालकनी में, तो थोड़ी देर बालकनी में धूप सेकेंगे, उसके बाद मैं रेडी हो जाऊंगी। आ चुकी हूँ, मेरे बाल काफी सूख चुके हैं, अभी मैं हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी होंगी, डॉक्टर को दिखाना है रिपोर्ट्स वगैरह, रिपोर्ट चेक करवा के वापस आ जाऊंगी। तो ये रहे मेरे कपड़े, हुडी और लोअर पहन के जाऊंगी। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए एंड अभी रुको मैं आउटफिट दिखाती हूँ आपको। तो ये मेरे रिपोर्ट्स है जो मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाने वाली हूँ। तो गाइस तैयार त्यूर होके मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए थोड़ा एस्थेटिक सा शूट करते हुए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ एंट्री, जो कि हमको रोज़ करना पड़ता है, और जैसे ही एंट्री करा मैं निकल गई एंड थोड़ा व्यू का मज़ा लो गाइस। तो यहाँ से हम लोग निकल गए हैं सीधा अपेक्स हॉस्पिटल के लिए, जो कि हमारे हॉस्टल से नज़दीक पड़ता है। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुँची तो मेरे को सेकेंड फ्लोर में भेज दिया गया एंड थोड़ी देर वेट करने के लिए कहा गया क्योंकि डॉक्टर बिजी थे। मेरे को आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाना था क्योंकि बाकी डॉक्टर सारे लीव पे थे एंड काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली मेरी टर्न आ गई एंड डॉक्टर ने मेरे जो रिपोर्ट्स है वो सारा देखा एंड मेरे को कुछ मतलब दवाइयाँ लिख कर दी जो कि मेरे को लेने थे फार्मेसी से। तो यहाँ मैं पहुँच गई फार्मेसी में एंड काफ़ी देर तक वेट करने के बाद फाइनली मेरी टर्न आई एंड उन्होंने मेरे को 2-4 दवाइयाँ दी और उसको लेकर मैं जा रही हूँ हॉस्टल को। बट हॉस्टल जाने से पहले मैं शॉप जाऊँगी क्योंकि मेरे को कैल्शियम की कमी है एंड डॉक्टर ने मेरे को दूध लगाया है सुबह और शाम दवाई के साथ, तो मैं वो दवाई लेकर हॉस्टल की तरफ जा रही हूँ। जैसे ही मैं हॉस्टल पहुँचती हूँ तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स और मतलब हॉस्टल की लड़कियाँ लंच कर रही थी, तो मैं थोड़ी देर इनके साथ गप्पे मार रही थी एंड सोचा लंच करके ही ऊपर चलते हैं, तो मैंने अपने फ्रेंड की थाली में ही लंच कर लिया। आफ्टर डिनर मैं शूट कर रही हूँ, मैं हमने डिनर कर लिया है और मैं नीचे से ये दूध लेकर आई थी जो मैंने शॉप से लिया था एंड दूध को मेरे को इसके साथ में खाना है। ये एक दवाई दिया मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर से, जो रिपोर्ट्स है वो चेक करवाए थे, और मेरे को इसके साथ में टैबलेट दिया महीने महीने में खाने के लिए, और पीने के लिए 2 बॉटल्स दिए हैं वो अंदर रखे हुए। रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, कैल्शियम विटामिन डी और थायराइड ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको मतलब ठीक करने के लिए ये दवाइयाँ दी है 20 दिन की, यही खाने हैं बस। बाकी हेल्थ पे ध्यान रखने को बोला, सुबह सुबह एक्सरसाइज करने को बोला एंड प्रॉपर डाइट था, मतलब चावल ही नहीं या फिर रोटी नहीं, मतलब हर चीज़ होनी चाहिए खाने में।
रहा बात करियो रहती है।